हाय गाइस, फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 11 का टॉपिक जो हमने लास्ट छोड़ा था। पार्ट टू है ये हमारा, बायोलॉजी का है। अब देखिए, हमने कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताया कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में क्यों पढ़ रहे थे। अब ना यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन है कि हम लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं। हम किसी को भी ऐसे ही लिविंग या नॉन लिविंग क्राइटेरिया नहीं कह सकते। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है तो उसे हम लिविंग कहते हैं। इन द केस अगर वो ऑब्जेक्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता तो उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ऑब्जेक्ट फॉलो करें। मे भी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मगर हमारे इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, हमने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया कि किस हिसाब से हम किसी को भी लिविंग या नॉन लिविंग बोलेंगे। ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, कहने का मतलब ये तो करेक्टरिस्टिक्स वो वाला ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा ही करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो हम उन्हें कहते हैं कि वो एक लिविंग क्राइटेरिया के अंदर शामिल किया जाता है। इन द केस अगर वो उस प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता तो उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के साथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जो लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, या लिविंग थिंग्स के साथ नॉन लिविंग भी एक्सहिबिट्स करते हैं या नॉन लिविंग के अंदर भी देखी जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी होती है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो हम एक होती है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, और एक ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका कोई एक्सेप्शंस नहीं होता, तो उन्हें हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखी जाती है मगर उनके कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, या वो लिविंग के साथ नॉन लिविंग के अंदर भी फाउंड हो सकती है, तो उन्हें हम नॉन डिफाइनिंग या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हम उन्हें नहीं कहते। अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा तो उसे हम लिविंग कहेंगे, तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखो पांच आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आती है ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ कॉन्शियसनेस। योर टॉपिक अकॉर्डिंग टू द नीट और आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन से कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से या बोर्ड से, तो इस टॉपिक के अंदर जो ये हमारे पांच पॉइंट्स है इसके अंदर हैव टू क्वेश्चन आएगा, चाहे आप नीट के अंदर उठा लीजिए चाहे आप आपके बोर्ड एग्जाम में उठा लीजिए। तो हम एक एक को हम धीरे धीरे कर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आता है ग्रोथ। हम ग्रोथ किसे कहते हैं, ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास। अगर हमारे मास के अंदर इंक्रीजमेंट होता है, या हमारे टिश्यूज के अंदर इंक्रीजमेंट होती है, या किसी पार्ट के अंदर इंक्रीजमेंट होता है, या ओवरऑल बॉडी किसी ऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज होती है, तो इन सारे चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ बेसिकली एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर है, चाहे वो किसी प्लांट के अंदर हो चाहे वो एनिमल के अंदर हो, एक बार होने के बाद में वो फिर से वापस नहीं आ सकता, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इस वजह से इसे अपन ग्रोथ को इरिवर्सिबल प्रोसीजर कहते हैं। हमारी ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, हम पांच प्रॉपर्टीज है, अगर इन सारी अगर ये प्रॉपर्टीज कोई फॉलो करता है तो उसे अपन लिविंग कहते हैं। उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ चेंजिंग होती है किसी टिश्यूज के अंदर, किसी ऑर्गन के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर, या ओवरऑल बॉडी के अंदर, तो जो ये चेंजिंग हमारे को नजर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ बेसिकली एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर है, होने के बाद में फिर से नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो हम जब बचपन में छोटे थे तब इतने थे, देन बाय वे हमारी साइज इंक्रीज होती गई, क्या आज हम छोटे हो सकते हैं, हम छोटे नहीं हो सकते। एक प्लांट हम ग्रो करवाते हैं, पहले देखो इतना होता रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी साइज या हाइट उसकी इंक्रीज हो जाती है, क्या वो 10 साल के बाद में फिर से वो छोटा होगा, नहीं। ग्रोथ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, वो अपवर्ड या स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, एक बार होने के बाद में फिर से पीछे नहीं आ जा सकती। तो इस हिसाब से हम ग्रोथ को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसीजर कहते हैं। ग्रोथ देखो सब में होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ बेसिकली दो वे से होती है। देखो ग्रोथ इंक्रीजमेंट इन द नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल और इंक्रीजमेंट इन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल, दोनों हमारे मास के अंदर इंक्रीजमेंट होना, हमारे नंबर इंक्रीज होना, दोनों ही ग्रोथ की प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज करो एक बच्चा है, छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, उसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है, तो ये मास के अंदर इंक्रीजमेंट है, इसे भी हम ग्रोथ के अंदर ही कंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर यही बच्चा किसी और, अगर ये मेल है, अगर किसी फीमेल के साथ मैरिज करता है, मैरी करता है, फिर इनका एक
एक बच्चा जन्मता है, मतलब कहने का मतलब इनकी प्रोजेनी स्टार्ट होती है। अब इन्होंने क्या किया, अपने एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा किया, तो ये भी एक ग्रोथ का ही पार्ट है। तो हमारे नंबर के अंदर इंक्रीजमेंट होना हमारी स्पीशीज के, मतलब बच्चे पैदा करना, या हमारे खुद की हाइट इंक्रीज होना या मास इंक्रीज होना, दोनों मास के अंदर इंक्रीजमेंट या नंबर ऑफ इंडिविजुअल के अंदर इंक्रीजमेंट, दोनों ही हमारी ग्रोथ की प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो इस वजह से हमने लिखा है इंक्रीजमेंट इन मास एंड इंक्रीजमेंट इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोथ आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। दोनों को हम इंक्लूड करते हैं ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, हम दोनों को इंक्लूड करते हैं ग्रोथ के अंदर। अगर हमें कहे कि अगर किसी का इंक्रीजमेंट मास में हो रहा है, क्या हम इसे ग्रोथ मानेंगे? ऑफ कोर्स हम उसे हम ग्रोथ के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटे सी पॉपुलेशन के अंदर 10 कुत्ते रह रहे हैं, मतलब पप्पीज रह रहे हैं, डॉग की स्पीशीज है। अगर कुछ टाइम के बाद में 10 साल 15 साल के बाद में वो 10 नंबर 100 नंबर के अंदर चेंज होते हैं, कि हम इसे ग्रोथ इंक्लूड करेंगे? यस ऑफ कोर्स हम उन्हें ग्रोथ में इंक्लूड करेंगे, चाहे उनके मास के अंदर इंक्रीजमेंट हो चाहे उनके नंबर के अंदर इंक्रीजमेंट हो, दोनों को ही हम ग्रोथ के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। अब देखिए ग्रोथ बेसिकली दो तरीके की होती है, एक ग्रोथ हमेशा के लिए होती रहती है और एक ग्रोथ कुछ सर्टेन टाइम तक होती है। तो इसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कंटिन्यूस ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो अभी देखो इन प्लांट्स के अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, जब तक प्लांट की लाइफ स्पेन होगी, जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक उसकी ग्रोथ होती ही रहेगी, चाहे वो साइडवाइज ग्रोथ हो चाहे वो वर्टिकल ग्रोथ हो, मतलब वो हाइट के अंदर इंक्रीज हो या वो साइड के अंदर उसकी ब्रांचेस के अंदर ग्रोथ हो, वो प्लांट हमेशा ग्रोथ करता रहेगा जब तक उसकी लाइफ स्पेन है या जब तक वो लाइफ है। मगर एनिमल्स के अंदर ग्रोथ होती है वो हमेशा के लिए नहीं रहती, वो एक अप टू सर्टेन एज तक ही होती है, उस एज के बाद में उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, फिर उसकी ग्रोथ सिर्फ सर्टेन पार्ट्स के अंदर होती है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है उनके डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। जैसे हमारे को कहीं से इंजरी वगैरह हो जाए तो हमारी स्किन सेल्स उन डेड सेल्स को निकाल कर और न्यू सेल्स रिपेयर करती है। तो फिर क्या करते हैं एनिमल्स के अंदर अप टू सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, उस टाइम के बाद में ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, फिर सिर्फ डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए या नॉन एक्टिव सेल्स को रिमूव करने के लिए ही ग्रोथ होती है, उसके अलावा ग्रोथ नहीं होती। मगर प्लांट के अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ देखी जाती है, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो ग्रो करते ही रहेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंटिशिएट आ जाता है ग्रोथ के अंदर, कि प्लांट और एनिमल के अंदर अलग अलग तरीके की ग्रोथ होती है। एनिमल एक वक्त तक ग्रोथ करता है, प्लांट एक अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ करता है। तो इस वजह से हम प्लांट के अंदर ग्रोथ को डिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं और इसको हम इनडिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। लाइफ स्पेन हम किसे कहते हैं? यहाँ पे एक शब्द आया लाइफ स्पेन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो टाइम पीरियड उसकी बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जो होता है, या किसी एक्सीडेंट के कारण या नेचुरल डेथ होती है, तो जो टाइम पीरियड होता है उसके बर्थ से लेकर डेथ तक, इसी टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं बायोलॉजी के अंदर लाइफ स्पेन कहते हैं। नेचुरली या साइंटिफिकली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग लाइफ स्पेन होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के 100 ईयर माने जाते हैं, जैसे डॉग्स के 10-15 ईयर्स के आसपास माना जाता है, कुछ बटरफ्लाइज वगैरह होते हैं उनके 7 वीक्स होते हैं, सेम तरीके से काऊ का टाइम पीरियड या लाइफ स्पेन 15 ईयर्स होता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन अलग अलग देखा जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिजम्स का किसी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पैरट और क्रो, मतलब तोता और कौवा, दोनों देखो इन दोनों की साइज लगभग एक जितनी ही होती है, मगर लाइफ स्पेन के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंटिएशन दिखाई दिया जाता है। पैरट की लाइफ स्पेन 150 ईयर होती है और क्रो की लाइफ स्पेन 15 ईयर्स होती है। तो देखिए कितना फर्क आ गया, बहुत ही ज्यादा 135 ईयर्स का फर्क आ गया। तो इसका मतलब लाइफ स्पेन उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसके इंटरनल मेटाबॉलिज्म के ऊपर और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करती है। चलो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से हम 12th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी मैंने बता दी। अब देखिए ग्रोथ की कुछ और भी चीजें, ग्रोथ क्यों होती है किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। अब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हमारे अंदर एक प्रोसीजर चलता है, हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए वो कहाँ गए हमारे बॉडी के अंदर, वो यूटिलाइज होते हैं। उस यूटिलाइजेशन के प्रोसीजर्स को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब जो हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए अगर वो फर्दर कंबाइन होकर एक न्यू
सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, मतलब कंबाइनिंग का या एक एडिशन का प्रोसीजर होता है, उसे हम एनाबोलिज्म कहते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर सब्सटेंस टूटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जो भी अपन न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं तो वो स्टोर करने के लिए या उनको बहुत अच्छे तरीके से फंक्शनलाइज करने के लिए हमारे अंदर सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते रहते हैं, तो इस प्रोसीजर को एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे हमारे प्रोटीन्स है, हमारे मसल्स फॉर्म होने हैं तो हम प्रोटीन्स लेते हैं, तो प्रोटीन अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। अब सारे प्रोटीन, जैसे सपोज करो हमने एक प्रोटीन हमने खाया, फिर दूसरा प्रोटीन, फिर तीसरा प्रोटीन, फिर फोर्थ प्रोटीन, फिर फिफ्थ प्रोटीन, ऐसे कह करके कंबाइन होते रहते हैं। अगर हमारे अंदर सारे अलग अलग कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करने के प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसे हम एनाबोलिज्म कहते हैं। और अगर जब जरूरत पड़ती है तो फिर से ये फर्दर टूट कर सिंप्लीफाई कंपाउंड्स के अंदर टूट जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के रिएक्शन हमेशा चलती रहती है, एक रिएक्शन के अंदर न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं, दूसरे रिएक्शन के अंदर कंपाउंड फर्दर सिंपल कंपाउंड्स के अंदर टूटते रहते हैं, जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं या एडिशन रिएक्शन अगर अपन मैथमेटिकली बोले तो उसे हम एनाबोलिज्म कहते हैं, जिसके अंदर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है जिसमें कंपाउंड्स टूटते हैं तो उसे हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो ये लाइफ प्रोसीजर है या ये केमिकल प्रोसीजर है, ये हमारे अंदर होता है। जब हमारी एनाबोलिज्म ग्रेटर देन द कैटाबोलिज्म होती है तब हमारे अंदर ग्रोथ देखी जाती है, जब हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं। कभी किसी डिजीज के कारण, एज के कारण हमारे अंदर कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाती है कंपेरेटिवली टू द एनाबॉलिज्म, और इस टाइप को क्या बोलते हैं, नेगेटिव ग्रोथ। दोनों प्लांट और एनिमल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ देखी जाती है। जब वो इनिशियल कंडीशंस के अंदर होते हैं दोनों के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ होती है, चाहे किसी डिजीज के कारण या एज के कारण उनके अंदर नेगेटिव ग्रोथ भी देखी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे एक्टर्स वगैरह थे जो जिनकी हमारे पास तस्वीर होगी, फैमिली मेंबर्स के हमारे पास जाहिर सी बात है ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होगी या ना होगी, मगर एक्टर्स की अगर अपन एग्जाम्पल उठा लेते हैं, आप देखिएगा एक्टर्स के अंदर कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनकी जवानी की या जब वो यंग होते हैं तब उनकी फोटो देखिए और अभी की फोटो देखिए, जब यंग में देखना उनकी बॉडी वगैरह बहुत ही अच्छी होती है और अभी की फोटो के अंदर वो ऐसे लग रहे होंगे, बुजुर्ग लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज के साथ हमारी कैटाबॉलिज्म का प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है कंपेरेटिवली टू द हमारे बढ़ने वाले प्रोसीजर के कारण। इसी वजह से उनकी साइज के अंदर क्या होती है, चेंजिंग हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो नहीं करते ये सत्य है, मगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज जरूर होता है। कैसे इंक्रीज होता है, ये सपोज करो अगर हम एक छोटा सा, जैसे हम रेगिस्तान के अंदर डेजर्ट के अंदर चले जाए तो डेजर्ट के अंदर हमारे को पता नहीं चलता, रास्ते होते हैं कुछ टाइम के बाद में उन्हीं वो सारे के सारे रास्ते कवर हो जाते हैं मिट्टी से। तो अभी अगर हम उसी रास्ते को एक पर्टिकुलर एरिया माने, कुछ टाइम पहले उसका कुछ मास नहीं था, अब वहां पर किसी सब्सटेंस का मास आ गया, तो इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। मगर नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कहां से होती है, आउटसाइड होती है, और लिविंग थिंग्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड होती है। इसी वजह से ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो करते हैं। जैसे ग्रोथ का मतलब हमने क्या किया, मास के अंदर इंक्रीजमेंट, और आपको भी बताया कि मास इज जस्ट लाइक ए वेट, अगर किसी का वेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, बताऊं, जैसे सपोज करो एक बच्चा है, छोटा था, 2 साल का था या 1 साल का था या अभी जन्मा है, तो उसका वेट था अप्रोक्स 2 kg के आसपास, और कुछ टाइम के बाद में उसका वेट 5 kg हो गया। जब उसके वेट के अंदर चेंजिंग आई तो हमने क्या कहा कि उसने ग्रोथ किया। अभी हम एक कचरे के ढेर को सपोज करते हैं, सुबह के टाइम कचरे का ढेर देखा, वहां पर एक हमने मशीन भी लगा दी जो वेट मेजर करती है कि कितना कचरा है, सुबह के टाइम देखा 0 weight 0 kg कोई कचरा नहीं है, और 12 बजे 1 बजे के आसपास देखे सब गांव वाले आसपास वाले वहां पे कचरा इकट्ठा करते हैं, तो उसका वेट 1000 kg 2000 kg हो गया। अब 1000 kg अपन सपोज करते हैं 1000 kg हो गया, अब देखिए वहां पे भी उस वाले पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी देखो वेट के अंदर चेंजिंग आई, पहले वेट 0 था अब 1000 kg हो गया। बॉय के अंदर भी चेंजिंग आई, पहले 2 kg था 5 kg हो गया। हम ये कहते हैं अगर वेट के अंदर चेंजिंग आती तो उसे ग्रोथ कहते हैं, तो इस हिसाब से उस वाले ऑब्जेक्ट ने या उस वाले एरिया के अंदर भी ग्रोथ हुई है, मगर वो तो एक नॉन लिविंग है, ये तो एक लिविंग है। तो इस हिसाब से ग्रोथ, दोनों ग्रोथ की प्रॉपर्टी दोनों के अंदर होती है, लिविंग के अंदर भी और नॉन लिविंग के अंदर भी। लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो फ्रॉम इनसाइड होती है, और नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड या फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग के कारण ही होती है। इसी वजह से हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिस हिसाब से किसी भी लिविंग को, किसी भी मटेरियल को अपन लिविंग या नॉन लिविंग के अंदर कैटेगराइज कर सके, मगर ये सत्य है
कि अगर अपन ग्रोथ इंटरनल ग्रोथ को ही कंसीडर करें तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जो इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ है जो हमने यहाँ पे लिखा होगा शायद, ये देखो इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इनसाइड ग्रोथ, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को मतलब आउटसाइड ग्रोथ। जो इनसाइड ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट ही शो करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल ग्रोथ शो करते हैं। अगर हमारे को फिर भी पूछा जाए कि ग्रोथ किस कंडीशन में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, तो वो जब इनसाइड ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, तब वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। इन द केस अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट के अंदर क्वेश्चन लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है देखिए रिप्रोडक्शन। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, हमने ग्रोथ को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, मगर ग्रोथ ने हमारे को कन्फ्यूजन में डाल लिया कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शो करते हैं, तो इस हिसाब से अपन इसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, मगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, इस हिसाब से हमने पढ़ लिया। अब दूसरी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट अपनी जैसी ही कॉपी प्रोड्यूस करता है, जिसके करेक्टरिस्टिक्स उस जैसे मिलते हो या हूबहू वैसा हो, सिमिलर भी हो सकता है या कुछ हद तक उस जैसा हो सकता है। तो इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम इटसेल्फ या फ्रॉम पेरेंट्स पॉसेसिंग सम करेक्टर्स सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। अगर कुछ करेक्टर उसके पेरेंट के जैसे होते हैं तो उसी प्रोडक्शन के प्रोसीजर को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखा जाता है, मगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, देखो यूनिसेल्युलर हम किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं उन्हें यूनिसेल्युलर्स कहते हैं, जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उन्हें मल्टी सेल्युलर्स कहते हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी जैसे ही कॉपी प्रोड्यूस करना। अब देखिए एक अमेबा था, अब उसने अपनी जैसा ही एक दो अमेबा पैदा कर लिया, हमने क्या किया, किसने रिप्रोडक्शन की, क्या इसकी ग्रोथ हुई, हमने इसको रिप्रोडक्शन कंसीडर किया। हम अभी इसी टाइम हम इसको पूछ रहे हैं क्या इसने ग्रोथ की है या नहीं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक सिनोनिम से किस कंडीशन के अंदर, यूनिसेल्युलर्स के अंदर। यूनिसेल्युलर्स अपने नंबर इंक्रीज करते हैं तो उन्हें हम ग्रोथ भी मानते हैं और उन्हें हम रिप्रोडक्शन भी मानते हैं, क्योंकि एक ही सेल एक इंडिविजुअल की तरह ही काम करता है या उसके अंदर सारी फंक्शनिंग परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसी वजह से यूनिसेल्युलर्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक सिनोनिम से, मगर मल्टीसेल्युलर्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक अलग अलग चीज है। ग्रोथ एक अलग चीज है, रिप्रोडक्शन एक अलग चीज है, मगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड या म्यूचुअली रिलेटेड इवेंट्स है। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ही रिप्रोडक्शन होगी जब ग्रोथ अपनी मैक्सिमम अमाउंट के अंदर पहुंच पाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जो इंसान होते हैं मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी जो उनकी फर्टाइल एज आफ्टर 15 टू 16 इयर्स, जो गवर्नमेंट 18 इयर्स के बाद में मानती है, तो बायोलॉजिकली वो 15 टू 16 इयर्स के साथ बाद में फर्टाइल हो जाते हैं, उससे पहले तो वो फर्टिलिटी की कैपेबिलिटी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उससे पहले उनके बॉडी के अंदर इतनी चेंजिंग नहीं हुई है, इतनी ग्रोथ नहीं हुई है जो रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। इसी वजह से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे से लिंक्ड इवेंट है। एक हद तक ग्रोथ होने के बाद में ही रिप्रोडक्शन हो पाएगी, उससे पहले रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है। उसके बाद अलावा भी कुछ और पॉइंट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। आप एक पॉइंट हमेशा याद रखना अपने माइंड के अंदर कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दोनों सिनोनिम्स फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो इंक्रीजमेंट टू द नंबर ऑफ देयर सेल के साथ कनेक्टेड होती है, मगर जैसे उनके सेल्स इंक्रीज होते हैं तो उनकी न्यू कॉपीज भी बन जाती है क्योंकि वो यूनिसेल्युलर्स हैं। तो इस हिसाब से हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक ही मान सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर राइट नाउ। वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास इनटू द पार्ट 3, और तब तक के लिए टाटा फॉर नाउ।